स्टार पंजाबी सिंगर सिंगा यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सिंगा के यहाँ आने का क्या कारण है? फिलहाल लाइव तस्वीरों में आप स्वागत देख रहे हैं सिंगा का। स्वागत यहाँ पर युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक तमाम लोग यहाँ पर उमड़े हुए हैं और अपने पसंदीदा स्टार की एक हिमाचल बड़ी धूमधाम के स्वागत किया और इदा ही बड़े डिसिप्लिन के साडे बाई नूं स्टेज तक पहुंचाना है। सारे अपनी अपनी जगह से बह जाओ, किसी ने रौला नहीं पाना। बड़े प्यार दे नाल, बड़े अदब दे नाल बाई का सम्मान करना है। धन्यवाद करते हैं क्योंकि साधु संत फकीर की कृपा के नाल ही गवैये कलाकार स्टेजा से पहुंचते हैं। और मेरी बेनती है सब के प्लीज स्टेज स्टेज से बाकी कोई ना मेरे वीर बड़े प्यार स्टेज से कोई ना आए प्लीज, मेरी बेनती है सारे अगे। हम जो थले बैठे भाई जी अभी पत्रकारा तो इलावा मेरा भाई कोई ना हो प्रेस क्लब तो इलावा प्रेस क्लब तो इलावा कोई ना मेरा वीर हो प्लीज चेहरा लगे ने चेहरा से बैठ सकते ने सारे तुसी साइड ना हो जाओ। बेनती है मेरे वीर आगे क्योंकि बार बार कहना चंगा जिहा नहीं लगता क्योंकि हिमाचल दे विच भाई पहुंचा है और बड़ा प्यार और अदब बड़ी सेंस दे नाल स्टेज तक पहुंचाए ने। हुण गाह पाना चंगा नहीं लगता।
मेरे भाई जी पंजाब के प्रसिद्ध सिंगर यहाँ पर पहुंचे हैं ऊना मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर कनेड़ा गांव। यहाँ पर एक छोटा सा आयोजन युवाओं की तरफ से किया गया है रक्तदान को लेकर। एक बढ़िया संदेश देना भाई ने की पिंड के निवासी है यार, इधर ना करो धक्का मुक्की ना करो, बैठ जाओ फोटो सब उन्होंने करा देनी, बैठ जाओ रिक्वेस्ट की है भाई सारे भाई रिक्वेस्ट है प्रेस रिपोर्टर के अलावा भाई बाकी सारे बैठ जाओ। हाथ जोड़ के भाई हाथ जोड़ दिते महाराज बैठ जाओ, एक बढ़िया संदेश दे दो धक्का मुक्की ना करो यार भाजी। प्रेस तो इलावा कोई ना सोच तो मेरे भाई थले उतरो मरे मरे भाई फोटो करा के चला के सारे ने आयोजित किए गए ब्लड डोनेशन कैंप में स्पेशली सिंगा यहाँ पर पहुंचे हैं। और आजकल के युवा जो है वो सिंगा को अच्छी तरह से जानते हैं और निश्चित रूप से युवाओं के जसवंत सिंह पंडियारा कि जिन्हां ने साडे सिंगा भाई ने इत्थे बजाया जरा ताड़ी मारो जरा भाई दे नाम ते दब के ते हिमाचल दे विच बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है साडे सिंगे भाई दा, जरा ताड़ी मारो अपने हिमाचल करके ते साडे सिंगे भाई करके, क्योंकि एड्डे वड्डे स्टार हिमाचल दे विच पहुंच रहे ने। पर साडा यूथ नूं इक चंगा संदेश चंगा गाना बजाना सिखा रहे ने कि कितना गाया जांदा और कितना बजाया जांदा है। सिंगा भाई आज यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, आप युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे? पंजाबी च बोल सकदा एक जेड़ा यूथ हुंदा है एह मेरे हिसाब नाल के मतलब चाहे पॉलिटिक्स ला लो चाहे किसी भी खेत्र दे विच ला लो एक यूथ है एक हेलो मैं पहला इधर बाद विच है ना ते मजबूत कड़ी हुंदा है क्योंकि यूथ ही कहंदे ने जदों कोई भी बदलाव आउंदा है किते भी ते ओदा मेन कारण के यूथ जदों अग्गे होके तुरदा है ते ओह बदलाव उदों आउंदा है। ते मैं कहना के जे असी यूथ कट्ठे होके किसी भी खेत्र चले चाहे असी किसानी दे खेत्र च हो जावे चाहे असी अपने विकास नू लैके एजुकेशन नू लैके किसी भी खेत्र च लैके जे यूथ मोहरे आऊगा तो ऑब्वियसली वह चीज़ साड़ी उपर ही जाऊगी। सो मैं कहना जे तुसी जिदा हुण मैनू बहुत वधिया लगा तुसी ब्लड डोनेशन कैंप लगाया मैं होर भी जाना हुंना मैं एक गल कहना हुंना कि इदां दे कार्य इदां दे काम टाइम टू टाइम हुंदे रहने चाहीदे कि साडे यूथ नू साडे लोकां नू समाज नू पता लगता रहे कि इन्हां चीज़ां का भी साडे जिंदगी दे विच साडे आम लोकां दे विच बहुत जरूरत आ। मैं थानू एक गल कही पहले मैं कह एक मजबूत कड़ी है मतलब एक थम है क्योंकि जे यूथ ही साडा बचूगा मैनू लगदा तां ही साडा पंजाब पंजाबीयत साडा जिन्ना भारत दे जो जो मेन मतलब कहिंदे जदों भी तरक्की हुंदी मैं उही गल थानू कह के हैगा जदों भी तरक्की हुंदी है ना इनू प्लीज साइलेंट करो भी है ना जदों भी तरक्की हुंदी आ तां यूथ दे हत्थों ही हुंदी है मैनू लगदा क्योंकि यूथ दा ही खून खौलदा हुंदा है ना। ते जे तुसी नशे वाली गल करदे हो नशा जिन्ना तुसी मैनू लगदा नशा असी उन्ना है भी नहीं कि जिन्ना असी उहनू कह कह के प्रमोट करी जांदे हुण इत्थे आए ने सारिआं ने ब्लड डोनेशन कैंप ते आए ने मैनू बड़ा वधिया लगा जिन्ने भी आए ने सारे जाणे अपना ब्लड देणगे अपना कॉन्ट्रीब्यूट करनगे अपने कैंप दे विच ते सारिआं नू पता भी आ इहदे माड़े हालात की ने एंड की है सारिआं नू पता कि नशे करन वाला एंड की हुंदा। सो इन्हां चीज़ां नू जिन्ना असीं हुण तुसीं क्वेश्चन पुछिआ हुण जिहनूं नहीं भी पता होगा उहनूं भी पता लगदा इस करके इहनूं प्रमोट ही ना करो मैं कहिंदा।
आपका बहुत स्वागत करता है। ये तो आपने बहुत अच्छा किया इसमें, मतलब ब्लड डोनेट में आके और आपने हिमाचल में अपने कदम रखे, और आप हिमाचल के बारे में क्या कहना चाहोगे? हिमाचल बहुत बढ़िया है जी, मैं होना रहना इतने उबोवाल होना, मैं जदों मैं स्ट्रगल भी करता है, मैं काफ़ी टाइम ही हो गया मैनू बहुत, स्कूल कॉलेज टाइम तो जदों मैं होया मैनू भी किसी ने दस्या सी, फिर मैं इतने धन धन बाबा श्री चंद जी की जगह पर आना, मस्तक होना, मत्था टेकदा, जदों भी मैनू कोई अंदरों दुख हुंदा जां मैं किसी जां भाई मैं मतलब डिसअपॉइंटमेंट हुंदी मेरे अंदर के मतलब यार कि नहीं मेरा दिल नहीं लगता है ना, बेचैनी होंगी जिन्होंने कह देंगे, तो वह जदों होंगी उदो मैं जरूर आना, तो मैं इतने आके बड़ा सुकून मिलता। सर आपने बहुत कामयाबी हासिल की और आपने कुछ थोड़े दिनों में बहुत ज़्यादा तरक्की की, और आप सिंगिंग के साथ साथ आप फिल्म इंडस्ट्री में भी आए, और इसके बारे में आप बताएं थोड़ा कि आगे आपका क्या प्लान है? ये तो बस जी आशीर्वाद ही आ बाबा जी का, तो अपना काम लॉयर रह के करी जाने, सिर्फ फोकस अपना काम से आ, तो बाकी थोड़े जिन्हें भी आई प्यार करते हो साडिया चीजा गाने फिल्म बनाइया इन्ना प्यार करते हो, सो ऑलवेज सैल्यूट। सिंघा नाम कैसे पड़ा ये सिंघा जी के बारे में बताएं पूरा नाम अपना जरूर। हाँ जी अपना पूरा नाम एक बार दर्शकों को बताएं। मेरा पूरा नाम है जी मनप्रीत सिंह, मेरा पूरा नाम है मनप्रीत सिंह परमार, एंड जो सिंघा नाम है, सिंघा नाम मैं हमेशा ही बोलता हूँ ना कि स्ट्रगल जब कोई स्ट्रगल बार बार करता है, ट्राई अगेन जिसे कहते हैं, वो ही है कि मैंने नाम रखा, नहीं चला, फिर गाने किए, म्यूजिक किया करता गया और ऐसे ही सिंगा। अभी सर आपकी हाल में कौन सी फिल्म आ रही है? सब तो पहला मैं तीन फिल्मा कर चुका, जोरा आई सी, उस तो बाद चो हुण मेरी रिलीज होने जा रही है दसंबर दे विच, कदे हाँ कदे ना, इस तो बाद विच मेरी एक होर फिल्म है सही होनी रोमांटिक मूवी है, तो हूँ एक मेरा दसंबर दे विच नवंबर दसंबर दे विच आपां शूट शुरू कर लें जा रहे हैं नवी एक होर मूवी का। आपका बच्चों में बहुत क्रेज है कि जो आप डायलॉग बोलते हैं वो एक बार आप डायलॉग बोल दें बहुत अच्छा लगेगा। सिंगा बोल रहा माइक है बहुत बहुत थैंक यू आ, बहुत बहुत सारे का धन्यवाद आ, बहुत बहुत इन्ना प्यार करने लिए। सिंघा कुछ भी नहीं है जी, सिंघा मिट्टी है, आखिर नू मिट्टी बन जाना, पर जिन्ना तुसी माण प्यार बख्शे ओदा मैं कदे देना नहीं दे सकदा। सिंगा बोलदा वीरे एक डायलॉग जिसके लिए सिंगा जाना जाते हैं, और हम दिल से धन्यवाद, वो डायलॉग सुनने के लिए यहाँ पर युवाओं की पूरी भीड़ मौजूद, और यहाँ पे लोगों में काफी उत्साह है, युवाओं द्वारा यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, और आपको ब्लड डोनेशन कैंप की तरफ भी लेकर चलेंगे यहाँ पर। सारे तो थले उतर जाओ क्योंकि प्रेस का जितना भी इंटरव्यू चल रहा है सारा हूँ, तो पंजाब के मशहूर सिंगर के झलक पाने के लिए यहाँ पर पड़ा है, और युवाओं की ज्यादातर यहाँ पर तादाद सिंगा को एक झलक देखने के लिए देख सकते हैं आप इस वक्त लाइव तस्वीरों में। छोटा सा गांव है, बेहद खूबसूरत सा ये गांव, कलेड़ा जिसे कहा जाता है, और कलेड़ा में यहाँ पर सिंगा को आज स्पेशली बुलाया गया है ब्लड डोनेशन कैंप के लिए, और इसके साथ साथ यहाँ पर ब्लड डोनेशन की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। शर्मा जी ते हर शर्मा जी ब्लड डोनेट करने जा रहे हैं। ब्लड डोनेशन कैंप में यहाँ पर रीजनल हॉस्पिटल ऊना से ब्लड बैंक की टीम डॉक्टर अनीता शर्मा की अगुवाई में यहाँ पर जो है वो रक्त के यूनिट इकट्ठे किए जा रहे हैं, और जिला भर में रक्तदान के क्षेत्र में काम करने वाली तमाम जो संस्थाएं हैं वो भी यहाँ पर पहुंची हैं। पहले बड़े प्यार शोर शराबा बिल्कुल नहीं, आवाज बिल्कुल नहीं, क्योंकि दो मिनट रुक लो बस, दो मिनट और पंजाब के सिंगर स्पेशली यहां पर पहुंचे हैं युवाओं को रक्तदान का संदेश देने के लिए, क्योंकि ऐनिया बड़िया मंजिला ते पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। मंच का संचालन कर रहे ऊना जिला के प्रसिद्ध गायक मनोज राणा यहाँ पर,
स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइव टाइम्स टीवी के पेज को लाइक एंड फॉलो करना बिल्कुल मत भूलेगा, बेल का आइकन आप जरूर दबाइएगा। फिलहाल सिंगा की झलक पाने के लिए इस वक्त आप देख सकते हैं मंच के बिल्कुल शर्मा जी जो कि ब्लड डोनेट करने गए ने, युवाओं की पूरी भीड़ इनिया मेहनत नु हाथ पाना और एनी हल्की उम्र दे विच बड़ियां मंजिलां नु हाथ पाना नवे यूथ नो साडे सिंगा भाई इस करके बुलाए ने असीं इत्थे कि नवा यूथ नशिया च ना रुले, बदमाशिया च ना रुले, कोई गलत रस्ते ते ना जावे, सिर्फ चंगिया रस्तिया ते जाना, अच्छा गाना अच्छा बजाना अच्छा सुनना। और नवे यूथ बहुत ज्यादा इन्हां नू प्यार करदा और ये भी बहुत ज्यादा प्यार करदे ने नवे यूथ नू। मेरी बेनती है डेरा प्रमुख बाबा संतोष जी दे की कृपया साडे कोल आन ते दो शब्द संगत दे नाल जरूर सांझे कर। थैंक यू। शोर शराबा बिल्कुल भाई जी स्टेज खाली कर दियो, स्टेज ते बिल्कुल ना आयो क्योंकि देखो भाई सिंपल आया, ना कोई बाउंसर है ना कोई सिक्योरिटी है, फिर असि इन्हां दी सिक्योरिटी असि इन्हां दा सब कुछ है। प्लीज बैठ जाओ, फोटो होके जाओगियां सारे नाल, इधर रश ना पाओ। साडे डेरा प्रमुख बाबा संतोख दास जी इन्हां दे नाम ते ताड़ी मार दे जरा, दो शब्द सांझे करके थैंक यू। बने रहिए लाइव टाइम्स टीवी के साथ, तमाम जानकारी अपडेट्स लेकर आपके बीच आते रहेंगे। लाइव टाइम्स टीवी के लिए ऊना के कलेड़ा गांव से वीडियो जर्नलिस्ट शिवम शर्मा के साथ विशाल। बच्चे बैठे बैठे